जय श्री महाकाल हम सभी लोगों को। मैं चंद्रनाथ अघोरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल चंद्रनाथ अघोरी शिव शक्ति तंत्र मंत्र केंद्र में स्वागत करता हूँ। आज मैं फिर एक आप लोगों को रिकॉर्डिंग सुनाने जा रहा हूँ और ये जो रिकॉर्डिंग है बड़े ही अमेजिंग है और आपको इसे देख के कुछ हंसी भी आएगी और कुछ इमोशनल भी हो जाएंगे आप, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लेकिन समझ नहीं आता यार ये लोग कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में और कैसी कैसी बातें करते हैं। हम जो आध्यात्मिक लोग होते हैं भाई, जनकल्याण के लिए बैठे हैं हम। जनकल्याण का मतलब जो परेशान है, दुखी है, उसकी समस्या का समाधान करने के लिए। लेकिन लोगों को लगता है कि सारे जो भी उल्टे सीधे काम है, जायज़ नाजायज, वो सभी पैसे के बल पे कराए जा सकते हैं। तो ये तो सरासर गलत है, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग होंगे जो पैसे के लालच में उल्टे सीधे काम कर देते हैं, लेकिन हमारी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। हम कोई भी गलत काम नहीं करते हैं। जो सामाजिक हित में काम होगा वही करेंगे, और जो असामाजिक काम है यानी जिसे समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, उस काम को हम नहीं करते हैं। ये हमारा खुद का मानना है और सारी चीज़ें गुरु वचन पे चलती हैं। और हम अपने दो चार पैसे के लिए, 10-20 हज़ार या 1-2 लाख के लिए अपने गुरु वचन नहीं तोड़ सकते। काफ़ी लोग कॉल करते हैं हमारे पास, हर कैटेगरी का बंदा होता है, सबकी सोच अलग अलग होती है और तरह तरह की बात करते हैं वो। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई, दो रोटी खाते हो, एक लोटा पानी पीते हो, दिमाग है आपके अंदर, कॉमन सेंस है, माइंड का इस्तेमाल कीजिए और मतलब एक भाई, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी लाइफ में कोई दुख ना हो, कोई संकट ना आया हो, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ हो, अनहोनी ना हुई हो। आप क्या सोचते हैं कि जैसे कि हमारी लाइफ है, हम भी तो मतलब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे भी तो आगे पीछे फैमिली है, सब लोग हैं फैमिली में, मम्मी पापा भाई बहन सब पूरी संपन्न फैमिली है। तो क्या हमारा जीवन अलग टाइप का होगा? हमारे जीवन में प्रॉब्लम नहीं आती होंगी, सबके जीवन में प्रॉब्लम आती है भाई, हम भी इंसान ही हैं। लेकिन हमारा सोचने का, समझने का नज़रिया अलग है और आपका अलग है। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, हमारे भी लड़ाई झगड़े होते हैं, हमारे भी आलोचक हैं, हमारे भी दुश्मन हैं और हमसे भी लोग ईर्ष्या रखते हैं, हमारे भी मतलब मित्र हैं, सब कुछ है। और तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई हमसे ईर्ष्या रखता है, हमें कोई गाली बकता है या हमें कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, तो हम उसको तंत्र के बल पर दंड दे दें या उसकी लाइफ में उल्टा सीधा कुछ कर दें, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग होंगे जो इन चीज़ों को साले, उन्हें विद्या ऐसे ही मिल गई हो, किसी ने दे दी हो, तो अपने ना वो गुरु को मानते हो ना किसी को मानते हो, ठीक है। तो सुन लीजिएगा इस भाई की बात। खैर, मुझे इससे हमदर्दी भी थी, लेकिन क्या करें, लेकिन इसकी बात ही कुछ ऐसी थी। सुन लीजिएगा क्या बोल रहा है। अब बता क्या कह रहे हैं। मैं यही चाहूँ जी, मैं ऐसे ही हो जाए कुछ, उनकी शायद भी पापी कुछ ऐसा उन्होंने हमारी शायद करा। मतलब पापियों ने क्या कर दिया तेरे साथ? मेरे भाई की हत्या कर दी जी, और की इससे बड़ा क्या हो सके। मेरी जिंदगी ऐसी तबाह कर दी, जो मेरे सगे साली थी जी, जो मेरी वाइफ थी वो अभी गुजर गई, वो कैंसर की मरीज थी। हुँ. वो कैंसर से मर गई जी, और जो बच्चा था मेरा 3 साल का, वो बच्चे माई है जी उनके पास, उस बच्चे के मैरिज चला गया मेरा भाई। तो उसने उस बच्चे को लाने लोने के बारे में कोई बात कही होगी, तो उन्होंने माई उसकी सेहत लड़ भीड़ का माई जैन का मैर दिया जी वो। अच्छा भाई, तेरे भाई को तेरे सालों ने मारा, तो उसमें हम क्या मदद कर सकते हैं ये बता। बस मैं यही चाहूँ जी की उन्हें भी ऐसी सजा मिल जाए कुछ। अरे तो उन्हें ऐसी सजा मिल जाए, हम क्या अदालत चला रहे हैं या कानून है हम जो हम उसे सजा देंगे, ये बता। नहीं जी, मैंने आपकी वीडियो देखी। हाँ तो वीडियो देखी, तो हमने ये बोला है कि मतलब किसी को कोई मार देगा तो हम उसका मतलब यहाँ पे सोल्यूशन लेके बैठे हैं। चलो भाई जी, गलती होगी वैसे, माफ करियो। चलो क्या यार, क्या ऐसी मतलब तुम्हें ये नॉलेज मिलती कहाँ से, ऐसे कहाँ से आते हो तुम लोग ऐसी ऐसी बातें लेके?
नहीं भाई जी, बात तो कुछ नहीं, मैंने तो आपकी वीडियो देखी, जैसे अरे कि तो आपने वीडियो देखी है तो हमने ये बोला है कि किसी का अगर मर्डर कोई कर दे तो हम सजा देंगे उसे, भाई उसके लिए कानून कानून है, बता हम कोई भूत प्रेत सजा देगा? कानून का तो भाई जी आपको पता ही है, कानून तो अंधा या पैसे वालों का है जी, गरीब आदमियों का कहाँ कानून, क्यों नहीं है, सबका होता है कानून, पैसे वालों का और बिना पैसे वाले की क्या बात है, अगर तेरे भाई का मर्डर किया है तो वो जेल जाएंगे, कानून का सहारा ले, पैसा तो खर्च होता है हर चीज में। हाँ जी पैसा तो हो जी, फिर क्या यार, कहाँ कहाँ से पता नहीं लोग आते हो तुम और ऐसी ऐसी बातें लेके टाइम वेस्ट करने के लिए। चलो ठीक है भाई जी, गलती होगी। तो देखिए भाई, आप लोगों ने सुना, ये भाई बोल रहा है कि मेरे भाई का मर्डर कर दिया है, तो अभी क्या हम क्या भाई कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं क्या, जो सुपारी लेते हैं वो किलिंग का काम करते हैं? ये सारी पता नहीं सोच कहाँ से आती है भाई, हम जनकल्याण के लिए बैठे, जनकल्याण समझते हैं नहीं, कि किसी को अगर कोई परेशानी है वो परेशानी लेके आए, किसी का जीवन बच रहा है हमारी वजह से, किसी के जीवन में कोई समस्या है उसको हम दूर कर सकते हैं तंत्र के बल पे। हाँ पॉसिबल है किसी को तंत्र के बल पे मादन प्रयोग भी किया जा सकता है, लेकिन क्या आपके 2-4 लाख या 10-20 हज़ार या 50 जो भी आप मतलब, क्या 10-20 हज़ार लाख 2 लाख के लिए हम किसी का मर्डर कर देंगे, किसी को मार देंगे? तो भाई ये सारी इस भाई की बातें थी, आपने सुनी, और वीडियो देखो कैसे कैसे लोग कॉल करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और इस भाई की बात से कौन कौन सहमत है कौन नहीं सहमत है वो हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए वो भी हमें बताइएगा, और किसी को किसी प्रकार का तंत्र काट कराना है, किसी प्रकार की भी कोई समस्या है, रिलेटिव कोई भी काम हो जो जाए, जो समाज की नज़रों में वो काम हमारे पास सभी किए जाते हैं, सारे सत्कर्म किए जाते हैं, और किसी को कोई भी प्रकार का हमारा जो प्रोडक्ट है, कुशासन, रुद्राक्ष माला या किसी प्रकार की संस्कारित माला, या मतलब एक जो अष्ट लक्ष्मी कवच हमने निर्माण किया है वो किसी को चाहिए, अघोर लक्ष्मी कवच चाहिए, या फिर धनदा यक्षिणी कवच चाहिए, ब्रह्मचार्य रक्षावीर कवच चाहिए, बाबा कीनाराम अघोरी तंत्र नाशक कवच, या आशु मेहतरानी तंत्र नाशक कवच, जो कि तंत्र में बहुत ही, अगर किसी के ऊपर निगेटिव एनर्जी है तो उस कवच को धारण करके 9 दिन का हम उसको विधान देते हैं, सेवा देते हैं आंसू मेहतरानी की, और कितना भी पुराना तंत्र है, चाहे वो 1 साल का है, 10 साल का, 20 साल का, उस कवच को धारण करने के बाद कट जाता है। उसकी हमने वीडियो भी दे रखी है, जिन लोगों ने हमसे कवच मंगाया और उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए, कितने कितने पुराने तंत्र वादा थी और वो मात्र कवच धारण करने से चली गई हैं। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जिसको जो भी जानकारी चाहिए वो हमसे प्राप्त कर सकता है, नंबर हमारा स्क्रीन पे फ्लैश होता मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नंबर हमारा है 9639857509। और किसी को कोई भी साधना करनी है, जैसे गुप्त नवरात्रि के लिए हमने बहुत सी साधना दे रखी हैं, इस साल की, पिछले साल की, जो भी हमने साधनाएं दे रखी हैं, जिसको भी साधना लेनी है वो हमारे नंबर पर संपर्क करें और जल्दी साधना ले लें, क्योंकि 12 फरवरी से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करें। जय श्री महाकाल, आदेश आदेश आदेश।